हाय फ्रेंड्स, मैं हूं योगेंद्र कुमार जायसवाल और आप देख रहे हैं सक्सेस ट्रेक। आज हम लोग बॉयलर में ब्लो डाउन के बारे से बात करेंगे, मतलब कि हाउ टू कैलकुलेट ब्लो डाउन परसेंटेज। मतलब आप किसी बॉयलर में जब किसी बॉयलर को आप ऑपरेट कर रहे हो तो उसके जो ब्लो डाउन है वो कितना परसेंट ओपन होना चाहिए, कितना परसेंट वो क्या करते रहना चाहिए, ब्लो डाउन करते रहना चाहिए, आज उसके बारे से हम लोग बात करेंगे। तो ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, पेपर में हो या इंटरव्यू में हो, तो आपको तो ये पता होना ही चाहिए। अगर आप एक बॉयलर ऑपरेटर हो तो इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है ये चीज़ आपको पता होना ही चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट ब्लो डाउन परसेंटेज। तो ब्लो डाउन परसेंटेज सबसे पहले देख लेते हैं कि ब्लो डाउन होता क्या है, बॉयलर में ब्लो डाउन करने का मेन पर्पस क्या है वो समझ लेते हैं। तो बॉयलर में हम लोग ब्लो डाउन क्यों करते हैं, जब भी आप लोगों को पता होगा कि बॉयलर के स्टीम ड्रम में जब पानी डाला जाता है और उसके बाद वो इवेपोरेट होता है और इवेपोरेट होने के बाद वो फिर से ड्रम पर जाता है, तो क्या होता है वहाँ पर, उस वाटर में डिजॉल्व सॉलिड्स, ठीक है, जो डिजॉल्व सॉलिड्स होते हैं वो क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं और वहाँ पर वो क्या कर लेता है, कोरोजन करने का चांस बढ़ जाता है। पाइपलाइन में, सारे पाइपलाइन में, ड्रम में क्या कर सकता है, वो कोरोजन कर सकता है, एक्यूमुलेट होके वो किसी पाइप को चोक कर सकता है। तो इसीलिए क्या करते हैं, वहाँ से उसको डिजॉल्व गैस, जो डिजॉल्व सॉलिड्स हैं उसको क्या करते हैं हम लोग, बाहर निकालने के लिए ब्लो डाउन का उपयोग किया जाता है। ब्लो डाउन अगर प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तो किसी भी बॉयलर के ट्यूब में क्या हो सकता है, कोरोजन हो सकता है, या फिर ट्यूब जाम हो सकता है, या फिर बॉयलर की इफिशेंसी डाउन हो सकती है, क्योंकि अगर वो किसी ट्यूब पर रहेगा तो वो क्या कर सकता है, कोरोजन कर देगा, और कोरोजन होने की वजह से उसकी लेयर में चिपक जाएगा, जिसकी वजह से उसमें हीट ट्रांसफ़र का जो रेट है वो कम हो जाता है। तो हीट ट्रांसफ़र का रेट कम हो जाएगा अगर किसी बॉयलर ट्यूब्स में, तो क्या करेगा, स्टीम जनरेशन को कम कर देगा। तो इसीलिए स्टीम जनरेशन कम हो गया तो अपने आप क्या हो जाएगा, वो इफिशेंसी डाउन हो जाएगी। तो इसीलिए प्रॉपर टाइम टू टाइम क्या करना पड़ता है, ब्लो डाउन करना पड़ता है। इसीलिए ब्लो डाउन क्यों आवश्यक है, क्योंकि अपने को बॉयलर की इफिशेंसी बनाए रखनी है, साथ ही साथ ट्यूब की लाइफ को बढ़ा के रखना है, इसीलिए हम लोग को ब्लो डाउन प्रॉपर करना पड़ता है। और स्टीम ड्रम से क्या करना रहता है, जो डिजॉल्व सॉलिड्स हैं उसको बाहर निकालने के लिए ब्लो डाउन की आवश्यकता होती है। तो चलिए, ये जो ब्लो डाउन कर रहे हैं उसकी परसेंटेज क्या होनी चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि बस खोल दिए पूरा और जा रहा है ब्लो डाउन कर दिए, तो इससे क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा लॉसेस हो जाता है। तो इसको क्या करना है, एक प्रॉपर लिमिट में उसको क्या करना है, अपने को ब्लो डाउन करना है। तो ब्लो डाउन की परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या क्या पता होने चाहिए, एक तो बॉयलर फीड वाटर का TDS, ठीक है, TDS मतलब होता है टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, TDS मतलब टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स होता है। नेक्स्ट है मेकअप वाटर का परसेंट, आप उसमें कितना मेकअप कर रहे हो, स्टीम और वाटर जनरेट जब स्टीम जनरेट हो रहा है तो उसमें आपको और कितना मेकअप करना पड़ रहा है। नेक्स्ट है मैक्सिमम परमिसिबल TDS इन बॉयलर वाटर, उस बॉयलर के वाटर में मैक्सिमम परमिसिबल कितना है, टोटल डिजॉल्व जो सॉलिड है वो मैक्सिमम परमिसिबल कितना है उसको चेक कर लेते हैं। तो उसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ब्लो डाउन का परसेंटेज चेक कर लेते हैं। जनरली जो ब्लो डाउन का फॉर्मूला होता है वो होता है ब्लो डाउन परसेंटेज इक्वल्स टू फीड वाटर TDS इंटू मेकअप वाटर का परसेंटेज डिवाइडेड बाई मिनिमम परमिसिबल TDS इन बॉयलर होता है। तो एक वैल्यू लेके चलते हैं, मान के चलो कि किसी बॉयलर के फीड वाटर का TDS अगर 300 है, ठीक है, 300 ppm पार्ट पर मिलियन, और अगर मेकअप वाटर का परसेंटेज अगर ले लिया जाए क्या, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना 10% अगर हम लोग ले लेते हैं मेकअप वाटर, उसमें जो मेकअप करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर मैक्सिमम परमिसिबल TDS इन बॉयलर वाटर, तो मैक्सिमम परमिसिबल मान के चलो कि अगर ये 3000 ppm है पार्ट पर मिलियन, ppm मतलब होता है पार्ट पर मिलियन और TDS मतलब होता है टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। तो यदि ये आप लोग को पता है कि फीड वाटर का TDS कितना 300, मेकअप वाटर 10% और उसका जो टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स है वो कितना है 300 तक परमिसिबल अगर है, तो इसको चलिए फार्मूला में रख के देखते हैं। तो इसका जो ब्लो डाउन का परसेंटेज है वो क्या आएगा, ब्लो डाउन परसेंट, आपको कितना परसेंट ब्लो डाउन करना पड़ेगा, तो देख लेते हैं। फीड वाटर का TDS कितना दिया हुआ है 300 इंटू मेकअप वाटर का परसेंटेज कितना दिया है 10,
डिवाइडेड बाय परमिसिबल कितना दिया हुआ है, 3000। तो ये कितना हो गया, लगभग 1%। कितना आ गया, मतलब कि आपको 1% ब्लो डाउन करना है। ये 1% आपको तो ब्लो डाउन का पता चल गया, लेकिन इस 1% में हम लोग को कितना उसका ब्लो डाउन रेट होना चाहिए वो निकालना पड़ेगा। उस ब्लो डाउन रेट के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, हाउ टू कैलकुलेट बॉयलर ब्लो डाउन रेट, मतलब कि बॉयलर में जो ब्लो डाउन हम लोग कर रहे हैं उसका परसेंटेज तो आपको पता चल गया, बट उसका रेट क्या होना चाहिए वो चेक करना है। तो हाउ टू कैलकुलेट बॉयलर ब्लो डाउन रेट, तो बॉयलर ब्लो डाउन रेट को निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, ई वेपोरेशन रेट ज्ञात होनी चाहिए और साथ ही साथ में ब्लो डाउन का परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 के बराबर होता है। तो चलिए मान के चलते हैं कि किसी बॉयलर में हम लोग जो स्टीम जनरेट कर रहे हैं वो 5 टन है, ठीक है। तो उसका जो ई वेपोरेशन की जो कैपेसिटी है वो कितना दिया हुआ है, मान के चलो कि 5 टन है। अगर उसको केजी में कन्वर्ट कर लिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 5000 केजी। तो इसका जो ब्लो डाउन का परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 1%, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। तो ये क्या हो गया, 50 केजी। अगर ये केजी में है तो 50 केजी। लगता है वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा, यदि आप लोग को अभी भी समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट्स कीजिए, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। यदि ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा होगा तो डिसलाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।